हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि ड्रेसिंग टेबल मेकओवर के आइडिया से रिलेटेड एक वीडियो लेके आओ, तो आज हम ड्रेसिंग टेबल मेकओवर तो करने वाले हैं, लेकिन साथ साथ में पूरे रूम का भी थोड़ा सा मेकओवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग हम करेंगे यहाँ से और फिर हम जाएंगे ड्रेसिंग टेबल की तरफ। सो ऐसी है ये पूरी बेडशीट। इस बार बेडशीट का है मिंट कलर, समथिंग डिफरेंट देन यूजुअल। तो बेडशीट मैंने रख दी एंड पिलो में कवर्स लगा दिए। वैसे पूरे बेड में अभी और कुछ थिंग्स ऐड करनी है, बट ये वाला लुक रेडी है। ये है एकदम क्यूट वाली फोटो फ्रेम एंड ये हमने कब ली थी वो तो आई थिंक आपको पता होगा ना, वो शॉपिंग ब्लॉग आपने अगर देखा होगा तो। एक्चुअली इसके अंदर रखने के लिए फोटो तो है इस साइज का, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कुछ न्यू वाला फोटो रखेंगे एंड वो स्पेशल फोटोग्राफी आज पॉसिबल नहीं हो पाई, इसीलिए जब करेंगे तो आपसे जरूर शेयर करेंगे एंड फिर इसमें मैं रख दूंगी। अब यहाँ पर क्या आ सकता है बताती हूँ। ये जो हमने न्यू वाली अलार्म क्लॉक ली थी ना, मैंने सोचा ये इस वाले साइड टेबल पर रखेंगे, तो ये यहाँ पर आएगी एंड उसके दोनों साइड पर ये क्यूट क्यूट मिनी डेकोरेशन आने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, ये अलार्म क्लॉक तो न्यू है, लेकिन ये दोनों मिनी डेकोरेशंस न्यू नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी हमारे पास ही थे। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू एंड दिस इज़ अ चैलेंज फॉर यू कि आप कमेंट्स में बताइए कि ये दोनों पहले कहाँ पर थे। और अगर मैं आपको हिंट बताऊँ तो इन दोनों को आप ऑलमोस्ट डेली व्लॉग्स में देखते थे। अब यहाँ पर क्या आ सकता है उसके बारे में मैंने बहुत सोचा और फाइनली ये आइडिया आया कि डेली डायरी आ सकती है। हाँ, ये डेली डायरी तो फिनिश हो गई है, बट डेली डायरी की जगह यहाँ पर फिक्स हो गई है। सो फिलहाल ये डायरी हो गई है सेट यहाँ पे एंड जब न्यू वाले लेंगे तो वो आएगी इसकी जगह पे। एंड फाइनली कंफर्टर रखने के साथ पूरे बेड का मेकओवर होता है ओवर। Now let's move towards our dressing table. तो सबसे पहले मुझे करना होगा पूरा ड्रेसिंग टेबल खाली, then उसको माइक्रोफाइबर से क्लीन एंड देन ऑर्गेनाइज। तो हम फटाफट ये ड्रेसिंग टेबल खाली करते जा रहे हैं एंड साथ साथ में मैं ये भी सोच रही थी कि कौन सी चीज कहाँ पे रखेंगे। छोटे छोटे तो है नए ऑर्गेनाइजर, लेकिन कौन सा आएगा कहाँ पर। सो पूरा ड्रेसिंग टेबल हो गया है खाली एंड अब है माइक्रोफाइबर से क्लीन करने की बारी। बीच में मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख, तो मम्मा लेके आए थे ये कैरेट का हलवा और साथ साथ में ही हम डिसाइड कर रहे थे कि ये वाला यहाँ पे रखेंगे या फिर ये यहाँ पे अच्छा लगेगा एंड अब फाइनली एग्जैक्टली हमने जैसे सोचा था वैसे मैं रख रही हूँ। अब ये जो ट्रांसपेरेंट वार्डरोब है ना, उसमें मैंने तो कुछ और सोचा है, लेकिन हम इस तरह से स्क्रंचीज भी रख सकते हैं क्योंकि ये सारे ऑर्गेनाइजर्स मल्टीपर्पज होता है ना, तो ये तो जस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया है, वैसे मैं कुछ और तरीके से यूज करने वाली हूँ। एंड पूरा मेकओवर हो जाने के बाद मैं सब कुछ जब आपको दिखाऊं, उससे पहले आप ये गेस कीजिए कि मैंने उसमें क्या रखा होगा। आई थिंक आप 100% गेस नहीं कर पाएंगे। सो फाइनली ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर तो हो ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी कुछ चीजों का मेकओवर करना था वो भी हो गया है, तो मैं आपको वो सब दिखा देती हूँ। एक्चुअली ना सबसे ज्यादा टाइम लगा ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर करने में, क्योंकि कौन सी चीज कहाँ रखे वो डिसाइड करने में ज्यादा टाइम तो लग ही जाता है। वैसे हम यहाँ से स्टार्ट करें या फिर ड्रॉर से स्टार्ट करें या फिर यहाँ से करते हैं, आई थिंक यहाँ से करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले है ये पूरा वार्डरोब फॉर नेल पेंट्स। सो मैंने सोचा कि नेल पेंट्स इस बार इसमें नहीं इसमें रखते हैं, तो इसका यूज़ क्या होगा वही आप सोच रहे हैं ना, वो मैं जैसे जैसे आपको बताते जाऊँगी और जब यहाँ पर आऊँगी तब आपको बताऊँगी। तो सारे जो नेल पेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे वो आ गए यहाँ पे और ये एक नेल पेंट है यहाँ पे। एक्चुअली ये रियल वाले नेल पेंट नहीं है, ये स्पॉन्ज है एंड ये ऑर्गेनाइजर को मैंने कुछ इस तरह से यूज़ किया है, कैसा लगा आपको। सो ये ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजर में है सारे मेकअप ब्रशेस एंड इस बार ना ये खाली था तो मैंने सोचा इसमें फेरी लाइट रख देते हैं एंड दिस वन इज सेम, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। ये वाला ऑलमोस्ट तो सेम ही है, मतलब मैं वैनिटी में जिस तरह से रखती थी ना, यहाँ पे रिंग्स देन ईयर टॉप्स फिर ये दोनों ईयरिंग्स, मतलब ये दोनों ईयरिंग्स उसी तरह से है, लेकिन इसको रखने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है
एंड यहाँ पर ये है फेरी लाइट। तो ये थ्री सेक्शंस मैंने आपको दिखा दिए। अब आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो ये क्या है, ये एक्चुअली मिरर है बट पूरी हाइट नहीं आ रही थी तो मैंने कुछ इस तरह से रख दिया। एंड ये एक स्क्रंची इसमें रखा और ये कुछ ब्रेसलेट्स। एक्चुअली कभी कभी ना हेयर स्टाइल का पीछे से व्यू दिखना होता है तो ये मिरर काफ़ी यूजफुल रहेगा। इस गाने इस बार थोड़ा चेंज किया है। ये सब कुछ आपको पता है ना कहाँ था, ये सब कुछ यहाँ पे था लेकिन अब मैंने रख दिया है यहाँ पर। तो इसको ना मैंने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है कि ये फर्स्ट लाइन में सारे ब्रेसलेट्स है एंड बाकी नेकलेसेस है। वैसे इसका भी अगर लिड साथ में आ जाता ना तो काफ़ी मस्त रहता, बट आई थिंक ऐसे भी कंफर्टेबल तो है ही, है ना। मैं आपको बताती हूँ कि इसका यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ ये रहने वाला है कि हेयर स्टाइल के लिए जो सारे डिफरेंट डिफरेंट हेयर एसेसरीज चाहिए होगी ना, वो सारी मैं कलेक्ट करके इसमें रख सकती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि मम्मा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल्स करके देते हैं तो उसके लिए डिफरेंट रबर्स एंड डिफरेंट हेयर क्लिप्स चाहिए होती है, तो वो एक एक करके इसमें से निकालना नहीं पाता है। सारी मैं एक साथ कलेक्ट करके इसमें रख सकती हूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा ये। अब आता है ड्रॉर्स। ड्रॉर्स में एक्चुअली सच कुछ चेंज नहीं है, बस थोड़ा लोकेशन में चेंज है। चलिए आपको दिखा देती हूँ। तो सेकंड ड्रॉर में ये सारे थिंग्स थी वो मैंने फर्स्ट में रख दिया है, एंड फर्स्ट में जो सारे थिंग्स थी ना, मतलब स्क्रंचीज थे ना, वो सेकंड में रख दिया है, तो इतना ही चेंज है। एंड थर्ड में है एज इट इज़ हेयर ड्रायर। अब एक चेंज इसमें थोड़ा बड़ा वाला चेंज है, वो ये है कि ये पूरा खाली है एंड कल ही मैंने इसमें ऑर्गेनाइज किए थे सारे मिनी मिनी रबर्स एंड मिनी हेयर क्लिप्स जो थी वो, अब वो कहाँ गई, तो वो यहाँ पर है। एक्चुअली ड्रेसिंग टेबल का मेक ओवर करते करते मुझे पता चला कि ये कहीं पर आएगा ही नहीं, तो इसमें से मैंने सारा वो सब कुछ खाली कर लिया एंड वो ऐसे ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजर्स है ना, जैसे ये सब है वैसे ही इसमें रख दिया, तो उसमें जो था वो सारा आ गया ये थ्री ट्रांसपेरेंट पाउचेस में। तो ये सारी एसेसरीज तो आपने कल के मिनी ब्लॉग में देखी होगी। और यहाँ पर ना ये सारे हेयर क्लिप्स मैंने ऑर्गेनाइज कर दिए क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा वाला पाउच था तो इसमें सारी आ गई। एंड इसमें हेयर क्लिप्स एंड रबर्स जो है वो सेट में है, एंड कुछ इस तरह से छोटे छोटे रबर्स है, एंड इसमें सारे वो मिनी रबर्स है जो मल्टी कलर है। तो इस तरह से मैंने कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया। ये वाला जो एकदम छोटा सा ऑर्गेनाइजर है ना, उसमें मैंने सोचा कि ये छोटे छोटे रबर्स ऑर्गेनाइज करूंगी बाद में। एक्चुअली पहले ना मैं छोटे छोटे बटरफ्लाइज ऑर्गेनाइज करने वाली थी, बट फिर मैंने सोचा कि ये जो रबर्स है वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। एंड जो ये दोनों शेल्फ्स है उसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, बट फिर भी अगर आप न्यू व्यूअर है तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। वैसे ये ट्रांसपेरेंट पाउचेस ना ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी यूजफुल रहते हैं, और ऐसे ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजर्स भी, तो क्या है हमें चीज़ें बार बार ढूंढनी नहीं पड़ती और ऐसे ही दिख जाती है, जैसे कि इसमें क्लिप्स है, इसमें रबर बैंड्स है, इस तरह से। ये है बड़े बड़े रबर्स, ये उससे छोटे एंड ये तो उससे भी छोटे। लाइकवाइज इसमें जो बड़े बड़े बो क्लिप्स वगैरह होता है ना, उस तरह से है। इसमें एकदम छोटी छोटी साइज के है एंड इसमें जो पैर वाले होते हैं ना वो है। एंड नीचे भी एज यूजुअल नेल आर्ट रिलेटेड स्टफ, डमी नेल्स होता है ना जिन पर मैं कुछ नेल आर्ट्स करती हूँ, ब्रशेस है सारे, एंड यहाँ पर है नेल आर्ट के लिए स्ट्रिप्स। एंड ये थ्री की चेंज तो है सेम, बट इसको क्या है चेंज। फिर आता है ये डोरमैट, एंड इसको कर लिया है चेंज। पहले स्काई ब्लू कलर में था एंड अब ये वाला कलर है। एंड ये वाला तो कर लिया है कंप्लीटली चेंज। यहाँ पर आ गया है स्वेटर क्योंकि अब आ गया है विंटर, एंड यहाँ पर भी चेंज किया है, ये सारी थिंग्स में भी चेंज किया है। चलिए दिखाती हूँ। वैसे आपको ये फेरी लाइट्स कैसी लग रही है, तो ये है पिंक कलर वाली फेरी लाइट्स। फ्रंट में मैंने सारे डेनिम वाले जैकेट्स रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वाले, एंड फिर आता है कुछ स्वेटर्स एंड कुछ इस तरह से टी शर्ट्स वुलन वाले। ये है वो वाली हेडबैंड जो मैं यूज़ करती हूँ जब मैं स्किन केयर करती हूँ, एंड ये है ईयर मफलर, एंड ये है डिफरेंट डिफरेंट बेल्ट्स जो आई थिंक आपने मेरे ब्लॉग्स में देखे ही होंगे। अब जब मैं आपको ड्रेसिंग टेबल में मैंने क्या क्या मेकओवर किया है वो बता रही थी, तब आप यही सोच रहे थे कि इसमें हेयरबैंड कहाँ पर गई, तो वो सारी यहाँ पर है। तो कुछ हेयरबैंड्स है इसमें, एंड जो सारे इसमें हेयरबैंड्स नहीं आ पा रही थी
वो सारी मैंने रख दी यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दी। I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want. पहले ये जो organizers थे, वो खाली थे, लेकिन अब मैंने इसमें कुछ organize कर दिया है, और सारे drawers fill हो गए हैं। चलिए वो दिखाती हूँ। वैसे any guesses? इसमें क्या fill हुआ होगा? तो इन सारे drawers में मैंने organize कर दी है books. एंड लास्ट में ना ये वाला ड्रॉअर खाली रह गया था, तो इसमें मैंने रख दिया ये पाउच। कुछ बुक्स जो और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ में होती है, वो मैंने इन दोनों फोल्डर्स में रख दी है। एंड ये जो पोटली पाउच है, वो पहले था यहाँ पे, लेकिन मैंने सोचा इसे यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सारे बेल्ट्स आए तो फिर जगह नहीं थी। वैसे तो ये वाला पाउच हम जब ट्रेडिशनल पहनते हैं तब यूज़ आता है, बट मुझे ये पसंद इतना है ना कि मैंने यहाँ पे रख दिया। और ये है स्लिंग बैग। ये जो शोकेस है उसमें सारी थिंग्स है एज इट इज़, there is nothing change in this. तो ये सारा मेकओवर हुआ है रूम में, कैसा लगा आपको? स्पेशली ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर, क्योंकि उसके ऊपर तो उसके आइडियाज रिलेटेड तो आपने पूरा वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो वो भी आ गया। एंड साथ में मैंने सोचा कुछ और भी मेकओवर करते हैं, तो वो भी हो गया। और आपको ना पूरे रूम के मेकओवर के लिए कौन से आइडियाज़ एकदम ज़्यादा अच्छे लगे, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड स्पेशली ड्रेसिंग टेबल के ऑर्गेनाइजेशन के जो आइडियाज़ है ना, जिनके बारे में आप लोगों ने कहा था, वो मैंने ट्राई किए कि जो पॉसिबल आइडियाज़ है वो सारे इसमें कवर कर सकूं। सो होपफुली आपको सब पसंद आया होगा। सो हम मिलते हैं कल दोपहर 1 बजे। बाय बाय। अरे अरे, मैं यहाँ पे ऊपर कैसे आ गया? एक छोटा सा चेंज है, जो मैंने सबसे नीचे रखा था वो मैंने ऊपर रख दिया, एंड जो फर्स्ट शेल्फ पे रखा था वो यहाँ पे रख दिया। मतलब नेल पेंट्स नीचे आ गई और मिरर एंड नेकलेस वगैरह ऊपर आ गया। बाय बाय।